राम मंदिर से आपको क्या फायदा होगा? हम हिंदू है यार, हम हिंदू है, गर्व से हम बोल सकते हैं। तो और बाकी तो बाकी पार्टियां मुसलमान हैं। अरे विजय दूसरे की मेरे को नहीं, ऐसी मैं जान 370 से क्या फायदा हुआ आपको? 370 कोई हुआ नहीं, हमारे देश का नौजवान है ना, जो गार्ड रहते हैं, कोई ड्यूटी करते, इसको बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? ऐसी बात नहीं मोटा भाई, मेरी बात सुन लो, वहाँ पहले इसके मारे पत्थर मारा होता अपने नौजवान पर। अब तो ज्यादा जवान शहीद हो रहे हैं। अरे एक भी नहीं हुआ, कोई बोले धारा 370 हटाए बाद एक बार पत्थर मारा हुआ तो बोल दो। अच्छा, ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है आप? हम पढ़े लिखे हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। अच्छा, हिंदू रहेगा इस देश में, दूसरा कोई नहीं रहेगा? मान लो मैं मुसलमान हूँ तो मैं नहीं रह सकता हूँ? अरे सब रहते, गर्व वाली बात क्यों होगी कि हिंदू है तो गर्व है और बाकी हिंदू नहीं? तो पाकिस्तान वाले नहीं बोलते? मैं इस समय राजकोट से अहमदाबाद की तरफ चल रहा हूं और एक चाय की दुकान है, लोग हैं कुछ, और ये भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि तुम कहां से आए हो, पत्रकार हो, चुनाव के लिए आए हो, अगर चुनाव के लिए आए हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो पता नहीं ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, और एक चुप्पी तो है यहां, और ये लोकल लोग हैं यहां के। आप यहीं के हैं, लोकल हैं? क्या नाम है? भरत भाई। भरत भाई क्या करते हैं? भरत भाई खड़िया काम करते हैं। खड़िया मतलब मिस्त्री काम? मिस्त्री। तो कितना पढ़े लिखे हैं? चार चौपड़े। चार चार। कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपया। 500 रुपया रोज। और बच्चे कितने हैं? दो। वो लोग क्या करते हैं? घर पे काम, घर काम। तो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे या मजदूरी करवाएंगे? पढ़ाएंगे, मजदूरी कराएंगे, दोनों सर। दोनों। सरकारी स्कूल है? ठीका ठीक है बजी। सरकारी स्कूल नहीं है? सेने सेने दो है। तो इस बार वोट देंगे कि नहीं? देखा। तो कौन कौन जीतने वाला है इधर? तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? नहीं है। सब मालूम है इनको, बोलेंगे नहीं है, सब मालूम है। है क्या नाम है आपका? कांजी भाई। कांजी भाई क्या करते हैं? कड़िया काम ही करता हूँ मैं, खेती और कड़िया काम। अच्छा, तो कितनी पढ़ाई लिखाई की थी आपने? 6 चौपड़े। क्या लगा इस बार गुजरात में क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल होगा ना। हाँ। बीजेपी आएगी। कैसे? बीजेपी ने काम बोला है इसलिए आएगी। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी का काम? सब अच्छा लगता है काम, इसने कोई गलत काम ही नहीं किया। एक काम बताइए हमें। 6 लेन रोड बना। मेरी शादी हुई ना 98 में शादी हुई थी, मैं ससुराल नहीं जाता था, तब यहाँ लाइट न थी, बिजली नहीं थी, अभी 24 घंटे बिजली मिलती है इधर, इसलिए इसका बहुत काम है। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई भी हो गया है, बाटला है यार। हम 700 में कांग्रेस की सरकार थी, 700 में कपास बेचते थे, आज यदि हम 800 का तेल का डब्बा लेते थे, आज 1900 रुपया, आज की मार्केट कपास की 1900 रुपया है, आज हम 2300 में लेते हैं, महंगाई क्या है यार? नहीं, बाटला तो महंगा है ना, गैस। बाटला तो महंगा है, तो महंगाई निपज की तो बढ़ गई ना यार। पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल पेट्रोल पर आमदनी डबल हो गई ना यार, हम किसानों की आमदनी डबल हो गई। कड़िया काम करते थे, आज की हाजिरी 700 रुपया है। कब 200 करते थे? आज 20 साल पहले मैं 200 में काम जाता था। आज 20 साल पहले 200 में? तो आज 800 रुपया हाजिरी है। अभी तो बता रहे थे 500 है। ये तो ये भाई 500 में जाते हो गए। 20 साल पहले मतलब रोड नहीं थे। पर डे 1000 रुपीज कमाता हूँ, 100 महीने 30,000 कमाता हूँ मैं। ऐसी में महंगाई तो होगी, थे आगे जाएगा। ये लाइटर, मैं बीड़ी पीता था पहले, 1 रुपये में बीड़ी आती थी 25, आज 25 की 25 है। इसमें क्या फर्क है यार, महंगाई बढ़ेगी सब बढ़ेगा। और बीजेपी का क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा, धारा 370 हटाई, 4-5 काम ऐसा किया बीजेपी, राम मंदिर किया। हाँ सही सही, बहुत काम किया है। आज 6 लेन बने, देखो ना यार सामने कैमरा। राम मंदिर से आपको क्या फायदा हुआ? हम हिंदू है यार, हम हिंदू है, गर्व से हम बोल सकते हैं। तो और बाकी तो बाकी पार्टियां मुसलमान हैं? अरे विजय दूसरे की मेरे को नहीं जाने वाली, 70 साल में कांग्रेस बना ही नहीं सकी, एक नाम भी नहीं लेती राम मंदिर का, जाओ कोई कांग्रेस वाले को पूछो। तो कहते कि राम मंदिर से तो पेट नहीं चलेगा। सुन लो, राम मंदिर है ना, ये कोई बीजेपी वाले ने तो किया नहीं, कोर्ट में केस चलता था कि नहीं चलता था? चल रहा था कोर्ट में। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले के आम आदमी, ऐसी मैं जान 370 से क्या फायदा हुआ आपको? 370 कोई हुआ नहीं, हमारे देश का नौजवान है ना, जो गार्ड रहते हैं, कोई ड्यूटी करते, इसको बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ?
ऐसी बात नहीं मोटा भाई, मेरी बात सुन लो, वहाँ पहले इसके मारे पत्थर मारा होता अपने नौजवान पर। अब तो ज्यादा जवान शहीद हो रहे हैं। अरे एक भी नहीं हुआ, कोई बोले धारा 370 हटाया बाद एक बार पत्थर मारा हुआ तो बोल दो। अच्छा, ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? हम पढ़े लिखे हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, पढ़ती तो है ना यार, टीवी मोबाइल से सभी मिलती है यार। चलिए तो ये है, आपका क्या नाम है? आप नहीं बोलेंगे तो सोचिए, एक जो बीजेपी का समर्थक है वो बोल सकता है, बाकी लोग देखिएगा चुप्पी रहेगी। अगली बार कांग्रेस से लड़ा था। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आम भारत का आम नागरिक हूँ और हिंदू हूँ, मैं गर्व से बोल सकता। मतलब तो अगली बार अच्छा हिंदू रहेगा इस देश में, दूसरा कोई नहीं रहेगा? मान लो मैं मुसलमान हूँ तो मैं नहीं रह सकता हूँ? अरे सब रहते, गर्व वाली बात क्यों होगी कि हिंदू है तो गर्व है और बाकी हिंदू नहीं? तो पाकिस्तान वाले नहीं बोलते कि हम पाकिस्तानी है तो हम तो हिंदू है, गर्व तो हो ना यार। तो हम भारतीय है ना? हाँ सही बात है, मैं भी हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अरे मैं भारतीय पर मैं गर्व से बोल सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे भाई तो इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो। अरे आपने नहीं देखता, आप तो अखबार वाले हो, वो MM वाला क्या है हैदराबाद का वाला, वो भारत शपथ लेते फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलते। ये भारत माता की जय नहीं बोलते? अरे ओवैसी क्या नाम है इसका, ओवैसी के क्या है हैदराबाद वाली पार्टी, भारत माता की जय नहीं बोलते? नहीं, नहीं बोलते, तिरंगा फहराता है तो। अरे नहीं, अरे गर्व की बात ये भी है, यहाँ से 100-200 किलोमीटर आजू बाजू माँ काली का मंदिर है पावागढ़ में, यहाँ 200 साल में ध्वजा नहीं लगा सकता है। अगली बार मोदी साहब ने लगाई, इस साल ही लगाई। कौन ध्वजा रहना से रोकता है? पहले ये तो मेरे को क्या मालूम यार, 200 साल बाद ये ध्वजा लगाई है, ऐसी बात है यार। तो मतलब मंदिर बन रहा है इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी सही बात है ना, मैं बीजेपी को वोट नहीं, बात नहीं, सच बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भी थी ना 70 साल तो कांग्रेस ही थी, 70 साल तो अभी आजादी के हुए। अरे तब से ही कांग्रेस ही है ना यार, आदासी से चुना हुआ। 14 साल तो बीजेपी रही, 5 साल वाजपेयी रहे, 8 साल से मोदी जी। अरे ऐसी बात, अरे चलो 27 साल से गुजरात में बीजेपी है। सही बात है, मैं मानता हूँ यार, ऐसी बात कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, चाय पी के जाओ यार। चाय पीऊंगा, चाय पीऊंगा। आपका क्या नाम है ताऊ? क्या जाए, क्या नाम है आपका? आपका पराग भाई नाम है? पराग भाई। पराग भाई क्या करते हैं? खेती करना चाहिए। खेती तो सब बढ़िया है, कहाँ वोट डालेंगे? क्या कहो, वोट किसको देंगे? वोट वोट किसके देंगे? अबे मेरा मत तो तेजी लगता है, क्या ने देव ये तेरे तो हूँ, क्या कहूँ? अच्छा आपको जहाँ मन होगा वहीं देंगे। एक मिनट, हाँ चाय है, हर साल वोट तो देता जाए। आपका क्या नाम है? सुंदर भाई। सुंदर भाई क्या विचार है इस बार? कई ने बस भाजप मत देना है, सबसे भाजप है हमारे, देना चाहिए। अच्छा और भी लोग हैं, युवा भी हैं, देखिए वो कैमरा देख के हट गए हैं। क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र राज। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं? 10 फेल। कितने साल की उम्र है आपकी? 22। 22 साल। 27 साल से गुजरात में बीजेपी है। और ये आपका क्या नाम है? ये नहीं बोलेंगे हैं। आपका क्या नाम है? अर्षद भाई। क्या करते हैं? खेत। कितने पढ़े लिखे हैं? 5। कितने साल उम्र हो गई? 40। 40 साल है, सोचिए तो 27 साल से गुजरात में बीजेपी है। तो एक बड़ा तबका है जिसको एजुकेशन से दूर रखा गया है, और कैमरे पर वही लोग बोलते हैं जो बीजेपी को लेकर ज़्यादा वोकल हैं। जो बीजेपी के बारे में राय नहीं रखते हैं वो अपना चुप भी रहते हैं बेचारे, और अच्छी बात है, सब तरफ चुप्पी है, चुप तो रहना पड़ेगा, यही गुजरात है। लबोलू अब आम लोगों की बात में छोड़ता था कि चाय पर रुकूँ, ठेले पर रुकूँ, वहाँ रुकूँ, तो आम लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे वो भाई साहब ने कहा है, और उसकी वजह बीजेपी आएगी। सोचने की बात नहीं है, वो हमारा गुजरात वाला है इसलिए हम गुजरात को मोदी को ही मत देने का है। तो कांग्रेस वाला सब विदेशी है? ओ हाँ विदेशी नहीं है, वो दूसरा राज्य का है ना, इसलिए हम मत नहीं देंगे। दूसरा राज्य का है वो, राहुल गांधी केजरीवाल। ऐसे तो दूसरे राज्य वाला मोदी जी को कहेगा कि गुजराती है इसको वोट नहीं है हम, ओ काम जो काम करेगा उसको ही मत देना ही। नहीं नहीं, आपको मोदी गुजराती है तो उसको वोट देंगे, और दूसरा राज्य वाला कहा कि हम भी मोदी को वोट नहीं देंगे, वो तो गुजराती है। ओ नहीं नहीं, सबका ही काम बोलते हैं ना। क्या काम मोदी जी का अच्छा लगता है? सभी काम अच्छा है ना मोदी का। जय
कैसे बताइए ना। वो सब ये रोड वाला खेत वाला वो खेत में पानी सभी काम अच्छा ही है। तो मुफ्त का आप खाते हो? मुफ्त में मिलती है तो कहते हैं मुफ्त को। तो आम आदमी पार्टी वाला तो कह रहे हैं हम ज्यादा मुफ्त, हमको सब्सिडी ज्यादा मिलती है। खेत का कोई सामान खरीदना है तो केजरीवाल कह रहा है कि और ज्यादा मुफ्त देंगे। अरे ये तो देने वाला इसकी सरकार बनेगी तब देगा ना। केजरीवाल की तो सरकार बनेगी तब देगा। अब तो मोदी साहब को हमको दे दिया घर के, बोलते हैं चलो ट्रैक्टर ले जाओ, कोई फोर व्हील ले जाओ, टू व्हील ले जाओ, हर सामान देता है मेरे को। भाई साहब महंगाई नहीं है? आप नहीं बोल रहे। गैस कितने में आता है? घर में सिलेंडर है? सिलेंडर गैस वाला सिलेंडर है। हाँ कितने में गैस आता है? ये तो मने नहीं खबर कितना में आओ लेवा जाता है। खेती वाला यार हाँ एकदम किसान है। तो ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसीलिए मेरे कलीग ने कहा गुजरात मॉडल मतलब मजदूर मॉडल। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।